सेवा में महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार नई दिल्ली, माननीय गृह मंत्री जी, केंद्र सरकार नई दिल्ली। विषय तुगलकाबाद दिल्ली में शिरोमणि संत गुरु रविदास। शांत हो जाओ भाई, शांत भैया, शांत हो जाओ सब। सारे अनुशासन भी सीख रखा क्या? 550 वर्ष पुराने अरे इनके चक्कर में तोड़े, तुम क्यों बोल रहे? करने दो। 550 वर्ष पुराने तोड़े गए मंदिर के पुनर्निर्माण तथा उनके अनुयायी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद व राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह तथा 96 अन्य निर्दोष लोगों की रिहाई के संबंध में ज्ञापन। महोदय, दिल्ली के तुगलकाबाद में 10 अगस्त 2019 को शिरोमणि संत रविदास जी के 550 वर्ष पुराने मंदिर को हिटलर शाही अंदाज में तोड़ दिया गया, जिससे उनके करोड़ों अनुयायियों को गहरा आघात पहुंचा, जिसके विरोध में 21 अगस्त 2019 को धार्मिक गुरुओं के आह्वान पर देश के कोने कोने से संत रविदास जी के धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक अनुयायी लाखों की संख्या में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। संतों गुरुओं की उपस्थिति में सर्वसम्मति से यह तय हुआ, सभी अनुयायी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में शांतिपूर्ण कतार में चलकर तुगलकाबाद पहुंचकर मंदिर की परिधि से बाहर रहकर दूर से गुरु स्थान को नमन करेंगे और आज के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समापन करेंगे। परंतु जैसे ही अनुयायियों तुगलकाबाद की सीमा में कदम रखा तो वहाँ उपस्थित पुलिस फोर्स ने निहत्ते लोगों पर लाठियाँ बरसाना शुरू कर दिया। तभी कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शनकारियों में घुसकर पथराव कर दिया। पुलिस फोर्स द्वारा लाठीचार्ज, हवाई फायर में आंसू गैस के गोले दागने से सैकड़ों अनुयायी घायल हुए, उनको गंभीर चोट पहुंची। तत्पश्चात पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भीम आर्मी भारत एकता मिशन प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वह राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह तथा 96 निर्दोष अनुयायियों को गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया। अतः हम गाजियाबाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन संत गुरु रविदास जी के अनुयायी ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि जेल भेजे गए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह सहित सभी 96 निर्दोष लोगों को तत्काल बिना शर्त रिहा किया जाए। नंबर दो, गुरु स्थान संत रविदास जी के मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए तथा देश में बहुजनों पर हो रही जुल्म, जाति अत्याचार पर सख्ती से रोक लगाई जाए तथा उनके अधिकारों पर कुठाराघात बंद किया जाए। ये ज्ञापन आप लोग यहाँ, आप लोगों ने सबने सहयोग दिया, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने पूरा अनुशासन में चलते हुए संत गुरु रविदास जी के सभी अनुयायियों ने अपने अनुशासन का परिचय दिया, जो हमें सहयोग दिया भीम आर्मी भारत एकता मिशन को, उसके लिए सभी को मंगल कामनाएं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ज्ञापन एडीएम साहब, डीएम साहब के माध्यम से एडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम साहब के माध्यम से ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को जाएगा। और हम ये भी मांग करते हैं कि अगर जल्द से जल्द वहाँ तुगलकाबाद में मंदिर का निर्माण नहीं किया सरकार ने, बिना शर्त के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को रिहा नहीं किया, तो फिर भारत में भीम आर्मी भारत एकता मिशन सड़कों पर आएगी और पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन करेगी कि भारत का चक्का जाम करेगी। ये भीम आर्मी है। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।